नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। खबर उत्तराखंड में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में सीएम त्रिवेंद्र ने की जनसभा, कहा दिल्ली में स्पष्ट दिख रहा है कमल खिलेगा। उत्तराखंड में नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन, 5 फरवरी को बंशीधर भगत कर सकते हैं मंथन। हरीश रावत ने राजनाथ सिंह को घेरा, कहा झूठ बोलकर भाजपा ने हासिल की सत्ता। दो हजार 21 में तैयार हो जाएगा चारधाम यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनेगा कैंप, लगेंगे 10 करोड़ रुपए। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर राज्य मंत्री का बयान, रेखा आर्य ने आंदोलन को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, आश्वासन के बाद भी धरने पर बैठना न्याय संगत नहीं। उत्तराखंड में बर्फबारी ने खतरनाक बनाया पहाड़ों का सफर, उत्तराखंड फिर बदल सकता है मौसम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं 18,000 मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सीएम सचिव और विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी धरने पर बैठना न्याय संगत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के आंदोलन में राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया हमने नोटिस दिया है और उसके बाद में भी जो नहीं पहुंचा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो कि मेरे लिए, मैं समझती हूं कि मुझे इससे पीड़ा है, पर उनके भी हितों को देखते हुए कि जो गर्भधात्री अथवा गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके हितों को भी संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेदारी है, तो ये बहुत आवश्यक हो गया था कि उनको जो है नोटिस देकर उनको अवगत कराया जाए ताकि वो समय पर जो है अपने केंद्रों को संभालने का काम कर सके। उधम सिंह नगर के किशत क्षेत्र में युवक की धारदार हत्या से हत्या कर दी गई। वार्ड नंबर 16 का रहने वाला विकास माझी अपने बच्चे के साथ घर के पास ही घूम रहा था, इसी दौरान एक युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके कुछ देर बाद ही विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि विकास माझी किच्छा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में पंजाबी मोहल्ले में रहता था और मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता कुछ दिन पहले एक विवाह में घायल हो गए थे और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन इसमें सूरज को विकास माझी के ऊपर भी शक था कि उसके पिता की हत्या करने में विकास का भी हाथ है, लेकिन पुलिस विवेचना में उसका नाम निकलकर नहीं आया, जिसके बाद सूरज ने विकास की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी सूरज ने कोतवाली पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया है। पंजाबी मोहल्ले का ये मामला है जिसमें विकास माली नामक एक युवक की चाकू मार के सूरज नामक युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और उसने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है। आरोपी चूंकि स्वयं ही खुद ही थाने में आ गया तो पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल उसको पूछताछ की जा रही है क्या कारण था, किन वजहों से ये घटना हुई है। तो फिलहाल जो पसंद इस रंजिश की वजह से ही है, जो पूर्व में रंजिश थी कोई 7-8 महीने पहले से, उसी को इसे हत्या करना इसमें प्रकाश में आया है। रुद्रपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरजिंदर जीत सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स माफिया किशन मंगलवार के घर की कुर्की कार्रवाई की। कार्रवाई एसओजी के उप निरीक्षक राजेश पांडे ने की। बता दें कि ड्रग्स के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की इस ओर से कार्रवाई पूरे जनपद में नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विकास नगर की पछवा दून पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत सहसपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 7 ग्राम से अधिक स्मैक भी तस्करों के पास से बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार तस्करों की गिरफ्तारी सहसपुर थाना अंतर्गत धर्मावाला क्षेत्र से हुई है।
उत्तराखंड पुलिस में भर्ती के दौरान साक्ष्य छुपाने के मामले में अल्मोड़ा जिले में तैनात सिपाही पर उधम सिंह नगर जिले के पंत नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी सिपाही पर बलवा व हत्या का मुकदमा बरेली टहनी में दर्ज था, जिस पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। बता दें कि आरोपी सिपाही के खिलाफ 1997 में बरेली के थाने में बुलवा व हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिस पर कोर्ट द्वारा आरोपी सिपाही को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने भर्ती के समय इस मुकदमे को छिपाया और 2001 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो गया। वहीं SSP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आरोपी सिपाही अल्मोड़ा में तैनात है। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो एक हेड कांस्टेबल है जिसकी भर्ती उधम सिंह नगर जनपद से हुई थी, लेकिन वो वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में तैनात है, उसकी जब जांच की गई तो ये पाया गया कि उसके द्वारा भर्ती के दौरान कुछ तथ्य छिपाए गए। उसके ऊपर एक FIR थी तथा वो सजा भी उसको हो रखी थी। वो तथ्य उसके द्वारा छिपाए गए, क्योंकि जाँच में ये तथ्य प्रकाश में आया है। तो ये जाँच के उपरांत यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई है, तो जो उनकी रिपोर्ट है उसके आधार पर बड़े बाबू के द्वारा, हमारे जनपद के बड़े बाबू के द्वारा इसमें FIR दर्ज कराई गई है। FIR पंतनगर थाने में धारा 420 के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल विवेचना उसमें की जा रही है। जो कागजात वगैरह है, जो वेरिफिकेशन हुए थे, वो सब चीजें को डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। भारत सरकार की डिजिटल भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिले में 100% डिजिटल लाइसेंस करने के उद्देश्य से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक BK नेगी और लीड बैंक मैनेजर ललित सेमवाल ने रानीखेत से मोबाइल ATM वैन का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय मैनेजर VK नेगी ने कहा कि वह मोबाइल ATM वैन पूरे अल्मोड़ा जिले में जाकर लोगों को सुविधा देगी और डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी देगी। इसमें जा रहे कर्मचारी लोगों को कैशलेस और डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे। जो ATM या ये जो सरकार का जो डिजिटाइजेशन की तरफ जो वो है दृष्टिकोण है बैंक का, उसके अंतर्गत हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 100% डिजिटाइजेशन करने के लिए हमने ये पहल प्रारंभ की है। सरकार ने हमें मौका दिया है करने के लिए और हमने आज रानीखेत से इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सितारगंज ब्लॉक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। VRC सभागार में प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए डायट प्रवक्ता गीता किरण और स्टेट रिसोर्स पर्सन जयंत मंडल ने शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में संपूर्ण देश में निष्ठा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए NCERT के शिक्षाविदों ने देहरादून में रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग दी। वहीं रिसोर्स पर्सन अपने अपने जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपादित कर रहे हैं। तहत एक निष्ठा प्रशिक्षण है, सेवारत प्रशिक्षण है, जो पूरे राज्य में ये संचालित है और उसी के तहत विकासखंड सितारगंज में ये प्रशिक्षण शिक्षकों को जो प्राथमिक वर्ग के हैं, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक हैं, उनको 5 दिवसीय ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कक्षा निष्ठा जो ट्रेनिंग है वो इस समय विषय और शिक्षण शास्त्र का मिलान करके दोनों के लिए ट्रेनिंग किया जा रहा है, ताकि टीचर्स इससे अपग्रेड हो, ICT से अपग्रेड हो, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कि दिल्ली के अंदर पहली बार जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हम उनको महंगाई भत्ता देंगे। बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे, सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार की यही पहचान। देखिए आज का मुद्दा रात 8 बजे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ सिर्फ KNews पर।
15-16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ग्वालियर में मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश जी से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। के न्यूज के दर्शक अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम लिखकर मेलबॉक्स ऑफ के न्यूज @gmail.com पर ईमेल करें। प्रथम 50 प्राप्तियों को निशुल्क परामर्श। प्रवासियों के लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2020। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वन पंचायत सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री करण बोरा डोईवाला के जॉली ग्रांट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की मदद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए पशु बाड़े का निरीक्षण किया। दरअसल क्षेत्र के लंबे समय से घूम रहे आवारा पशु किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए किसान लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि सरकार पशुओं की समस्या पर गंभीर है और क्षेत्रीय लोगों द्वारा ही इन पालतू पशुओं को छोड़ा गया है और अब यह पशु किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। और इससे बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे गरीब किसानों को हो रहा है, जिनकी फसल इस समय गेहूं मतलब काफी बड़ा हो चुका है, और अगर उससे इस समय अगर जानवर उनको खा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा पनप पाएंगे गेहूं। उससे कृषक को जो है एक तरह से मानसिक हानि भी हो रही है और आर्थिक हानि तो हो ही रही है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ये जागरूकता का विषय है। गांव में अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सबसे पहले तो लोगों को जो गाय दुधारू गाय है उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, एक ये जागरूकता पैदा करने वाला विषय है। डोईवाला विधानसभा के जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में किसान हाथियों के साथ ही जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी फसलों को हाथी और जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। क्षेत्र के लोग और किसान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन विभाग से लगातार इन जंगली जानवरों और हाथियों से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अब वन विभाग नई तकनीकी के सहारे हाथियों को आबादी और खेती क्षेत्रों में रोकथाम के लिए प्रयास किया। वन विभाग की रायपुर रेंज की हाथी बाहुल क्षेत्र में अब सोलर पावर्ड एनिमल सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिसके लगने के बाद हाथी और जंगली जानवरों से खेती और लोग सुरक्षित रह सकेंगे। रायपुर वन क्षेत्र के बालवाला में वन विभाग ने 3 स्थानों पर इस सिस्टम को लगाया है, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री के OSD धीरेंद्र पवार ने किया और उम्मीद जताते हुए कहा कि वन विभाग की यह पहल किसानों और जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार देश की गरीब जनता के लिए सत्ता राशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के हक पर राशन माफिया डाका डाल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए इस राशन माफिया को किस प्रकार कैमरे के सामने आने से बच रहा है। ये राशन माफिया ना तो राशन डीलर है और ना ही अधिकृत दुकान का मालिक, लेकिन ये गरीबों के राशन पर डाका डालने वाला धन्ना सेठ है। सोनी कुमार नाम के इस व्यक्ति का कई वर्षों से बड़े जोरों शोरों के साथ ये धंधा चल रहा है। ये राशन माफिया गरीबों का राशन फ्लोर मिल में बेचता है। खबर लगने पर मैं मौके पर आई और देखा कि एक खंडरनुमा स्थान पर एक कमरे में जो सरकारी कोटे का राशन है वो रखा हुआ पाया गया है और उसको दूसरे कट्टों में भर करके बेचने के प्रयास किया जा रहा है। रामनगर के NH-121 का उत्पाती हाथी वन महकमे के हाथ नहीं लग रहा है। विभाग को इस हाथी को टेक्रियलाइज कर हाथी पर रेडियो कॉलर लगाना है, लेकिन हाथी विभाग को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। इस हाथी की अंतिम लोकेशन मरचूला में थी, उसके बाद पशु चिकित्सक के साथ पहुंची टेक्रियलाइज टीम बहुत देर तक करीब आने का इंतजार करती रही, लेकिन हाथी विभाग के सारे प्रयासों पर पानी फेरता हुआ नजर आया।
राजधानी देहरादून में अनोखी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें विनोद चौहान नाम के एक शातिर ठग ने पूरे फिल्मी अंदाज में बल्लूपुर स्थित कावेरी ज्वेलरी के साथ ठगी की। आपको बता दें कि ठगी करने वाला व्यक्ति विनोद चौहान दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने गहन जांच के बाद विनोद को बसंत ब्याह क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इस तारीख को हमारे कंट्रोल रूम में सूचना आई कि ये जो कावेरी ज्वेलर्स की शॉप है चक्राता रोड में, इसके मैनेजर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा अपने आप को नाथू जो स्वीट शॉप है सामने उसका उसके मालिक बताते हुए इनसे चेन मंगवाई गई जो कि उसे गिफ्ट में कहीं देनी थी। जब इनका बंदा वहाँ नाथू स्वीट शॉप पे पहुँचता है वो चेन की डिलीवरी उस बंदे ने ली और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो उस पर जो है हमारे थाने की फोर्स वसंत विहार थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश पर सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दो पहिया वाहनों के चालान काटे गए, ट्रैफिक व्यवस्था भी देखी गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही नगर वासियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को प्रेरित भी किया। चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में बीते दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद अब धूप खिलने से यहां का नजारा देखने लायक हो गया है। देश विदेश से बर्फबारी का दीदार करने भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अभी भी औली में 6 फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस साल औली में जमकर हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रदेश सरकार ने भी औली में हुई बर्फबारी को देखते हुए 7 जनवरी से औली में राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का मंजूरी दे दी है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के अंदर पहली बार जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हम उनको महंगाई भत्ता देंगे। बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे, सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार की यही पहचान। देखिए आज का मुद्दा रात 8 बजे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ सिर्फ के न्यूज पर। 15-16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ग्वालियर में मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश जी से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। के न्यूज के दर्शक अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम लिखकर mailboxofknews@gmail.com पर ईमेल करें। प्रथम 50 प्राप्तियों को निशुल्क परामर्श। प्रवासियों के लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2020। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 में समाज उत्थान स्कूल में धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। समाज उत्थान स्कूल के 30 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा छात्र छात्राओं के दूसरा समाज में हो रहे कुरीतियों को दूर करने के लिए नई नई एकांकी नाटक प्रस्तुत किए गए।
यूपी एटीएस ने रुड़की पुलिस की मदद से केएलएफ को हथियार सप्लाई करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पिछले एक साल से आरोपी आशीष मलिक अपनी पहचान बदलकर मौसी के यहां रह रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी आशीष मलिक ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के शीर्ष नेता हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएसडी के खास गुगनी ग्रेवल को उसकी डिमांड के अनुसार हथियार सप्लाई करने वाले आशीष मलिक को उत्तर प्रदेश की यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने रुड़की पुलिस की मदद से सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। जादूगर रोड रुड़की में रह रहा था अपने एक दोस्त की बहन के घर पे। रहने वाला वो जॉनी मेरठ का है, पंजाब से 2014 में उसको 10 साल की सजा काट के एनडीपीएस एक्ट के उसमें वो वहाँ से चला आया था और उसका पता किसी को नहीं था। पंजाब पुलिस को और मेरठ में जॉनी पुलिस में किसी को जानकारी नहीं थी, तो पंजाब ने कॉन्टेक्ट करके मेरठ वालों से कि वो उसके घर का देखें कहाँ है तलाश करने के लिए, तो मेरठ में एसटीएफ को ये काम सौंपा गया था। एसटीएफ ने हमारे यहाँ जादूगर रोड पर आकर उसको गिरफ्तार किया है और उसको लेकर पूछताछ। रुड़की के भगवानपुर के वीआरसी सभागार में शिक्षा प्रशिक्षण का समापन किया गया, जिसमें भगवानपुर विधायक ममता राकेश मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने शिक्षा प्रशिक्षण में भाग ले रहे शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ऊर्जावान शिक्षकों ने प्रशिक्षण को खास तौर पर प्राप्त किया, जिसका लाभ छात्र छात्राओं से मुख्य रूप से मिलेगा। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी भीकम सिंह ने बताया कि आजकल जैसे ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम सरकार की ओर से चल रहा है, इस निष्ठा का कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण चल रहा था, जिसमें 14 बैच में सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कार्यक्रम के तहत ही प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग यहाँ पर चल रहा था बीआरसी में, और 14 बैच की ट्रेनिंग पूरी हो गई। हमारे लगभग 100% शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम ये रहा। 35 दिन का ये कार्यक्रम चला। सभी हमारे विलक्षण प्रतिभा के धनी ऊर्जावान शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हमारे सुनील भट्ट जी हैं जो टाइट रूप से आए थे, उन्होंने सबको प्रशिक्षण प्रदान किया। सितारगंज में जेल कैंप रोड पर चले अतिक्रमण अभियान के बाद नगर की सड़कों से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही को लेकर पुलिस और राजस्व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने किच्छा रोड पर फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। प्रशासन की इस कार्यवाही से लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। अन्यथा सरकारी अमले से की जा रही थी और उसके संबंध में जो है लोगों से आग्रह किया गया था कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले। तो आज जो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ में और जिसमें तहसीलदार महोदय जो उपस्थित थे उनके द्वारा जांच की गई कि कौन कौन व्यक्ति अपना अतिक्रमण स्वयं हटा रहा है और कौन कौन व्यक्ति नहीं हटा रहा है, और सभी अतिक्रमणकारी से व्यक्तिगत रूप से जो है निवेदन किया गया है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले। अन्यथा जो है उस किया गया है कि जो कल वार्ता हुई है उसमें सब लोग अतिक्रमणकारियों ने अपना आश्वासन दिया है कि हम लोग अपना अतिक्रमण स्वयं हटा रहे हैं। तो आज हम इसी अपेक्षा के साथ लोगों के बीच में गए थे कि वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं, और यदि कल भी अगर ऐसी स्थिति रहती है कि जो अपना अतिक्रमण नहीं हटाएगा तो इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी जाएगी और जो भी कार्य योजना होगी फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुलरबोध जलाशय के पर्यटन विभाग पर सामूहिक सहभागिता पर चर्चा की गई। इस दौरान सूबे के शिक्षा व खेल मंत्री अरविंद पांडे और जिले के सीडीओ मयूर दीक्षित मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वाटर एडवेंचर का लुत्फ उठाया। वहीं पर्यटकों का कहना था कि अब तक उन्हें इस तरह के एडवेंचर के लिए नैनीताल गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था। बोध जलाशय हिंदुस्तान नहीं विश्व के मानचित्र पे ये फलीभूत हो, यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना था और जिसको मैंने बहुत खुली आंखों से देखा था, और ईश्वर की कृपा है। यहाँ के जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मुझे दूसरी बार विधायक बनने का मौका मिला और मैं प्रदेश में मंत्री बना। तो यह मेरी जिद थी कि इस जलाशय को डेस्टिनेशन के रूप में घोषित करना है और मैं इस काम के लिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 13 डेस्टिनेशन घोषित प्रदेश के अंदर हुए, उसमें से इस बौर जलाशय को भी उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया उन्होंने और डेस्टिनेशन इसको घोषित किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। प्राथमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में 307 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां 5 कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए केवल एक ही शिक्षक तैनात है। यहां एक शिक्षक 5 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने या स्कूल के अन्य कार्य करे। स्कूल के शिक्षक की माने तो इस दौरान इतने बच्चों को चुप रखना मुश्किल काम है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।